वर्किंग्स ऑफ कंप्यूटर। चलिए जानते हैं ये कंप्यूटर कैसे काम करता है। ये जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को कंप्यूटर क्या बनाता है। जब भी हम कुछ इनपुट देते हैं और वो प्रोसेस करके सही रिजल्ट जब शो करता है आउटपुट के तौर पे, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। तो कैसे होता है ये सब? जब भी हम कुछ इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइस से, वो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में जाता है। फिर वो कंप्यूटर क्या करता है, अपने मेमोरी में जाकर स्टोर होता है। तो मेमोरी में स्टोर होने के बाद जो हम इनपुट दिए हैं उसको प्रोसेस करना स्टार्ट करता है और उसका सही रिजल्ट ढूंढने का कोशिश करता है और फिर ढूंढ के कंप्यूटर में डिस्प्ले करता है और उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस वो डिवाइस है जिससे कि हम कंप्यूटर में कोई डेटा डालते हैं। चलिए जानते हैं एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस। कौन कौन सा ऐसा डिवाइस होता है जो कि डेटा को कंप्यूटर में लोड करने में हेल्प करता है? कीबोर्ड, माउस। टाइप करते हैं कुछ तो कीबोर्ड से कंप्यूटर में जाता है, माउस में कुछ क्लिक करते हैं तो हमारा सिस्टम में जाता है। जॉयस्टिक, गेम खेलते हैं, कुछ भी डायरेक्शन करते हैं तो जॉयस्टिक हेल्प करता है। स्कैनर, कोई भी फोटो को हम कंप्यूटर में डालना चाहते हैं तो स्कैनर का काम होता है। बारकोड रीडर, जो कोई भी सामान रहता है उसमें बारकोड रीडर होता ही होता है। वेबकैम, फोटो खींचते हैं कंप्यूटर में जाता है। और माइक्रोफोन, माइक्रोफोन से हम कुछ बोलते हैं फोन कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाता है। ये सारा इनपुट डिवाइस है। चलिए, इनपुट तो हमने दे दिया, अब ये प्रोसेस कैसे होता है ये भी जानना पड़ेगा। ये प्रोसेस के लिए सबसे पहले यहाँ डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, जब डेटा कन्वर्ट होता है इन्फॉर्मेशन के रूप में उसको डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। दो ही चीज़ हैंडल करता है ये प्रोसेसिंग ऑफ डेटा में, पहले मेमोरी और फिर सीपीयू। पहले जब भी इन्फॉर्मेशन आता है वो मेमोरी में स्टोर होता है, फिर प्रोसेस होता है वही इन्फॉर्मेशन। तो चलिए जानते हैं कि ये प्रोसेसिंग कैसे होता है। देखिए, कंप्यूटर सिर्फ दो भाषा समझता है, बाइनरी डिजिट समझता है। 0 और 1 एक बाइनरी डिजिट्स है। जब भी हम इमेज डालते हैं कंप्यूटर में वो हम अपने भाषा में डाल देते हैं कंप्यूटर में, लेकिन कंप्यूटर ट्रांसलेट करता है उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल यानी कि बाइनरी डिजिट्स में। फिर उसके भाषा में ट्रांसलेट हो गया, अब वो समझ गया कि उसे क्या करना है। फिर वो प्रोसेस करने के लिए परमिशन दे देता है और वो रिजल्ट आउटपुट के तौर पे मॉनिटर में शो करता है। यही है पूरा प्रोसेसिंग ऑफ अ कंप्यूटर। चलिए जानते हैं अब आउटपुट डिवाइस क्या होता है। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जहाँ पे इनपुट और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट शो करता है। तो कहाँ शो करता है? मॉनिटर में। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं आउटपुट डिवाइस के। जैसे कुछ हम डेटा डाले कीबोर्ड से तो वो आउटपुट कहाँ शो किया? मॉनिटर में। प्रिंट किए मॉनिटर से तो आउटपुट कहाँ शो किया? प्रिंटर में। प्रोजेक्टर से हम कोई भी फिल्म वीडियो देख सकते हैं। स्पीकर से क्लिक किए आवाज़ सुनाई दिया, वो स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी प्रिंट करने के लिए काम आता है। चलिए, कुछ ऐसे भी डिवाइस है जहाँ पे इनपुट आउटपुट दोनों एक साथ होता है। जानते हैं क्या है वो? मोबाइल। मोबाइल में हम कुछ भी इनपुट डालते हैं उसका आउटपुट उसी समय उसी वक्त हमें सुनाई देता है, दिखाई देता है, उसे इनपुट आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मॉडम भी इनपुट आउटपुट, सीडी डीवीडी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है। कैमरा क्लिक करते हैं फोटो क्लिक होता है, सैमसंग फ़ोन में दिखता है, वो भी एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है। हेडसेट जिसमें हम सुन भी सकते हैं बोल भी सकते हैं हेडसेट। USB ड्राइवर हमें इनपुट का भी काम आता है आउटपुट का भी काम आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।